तो यार मेरे भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ और एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापिस। अब देखो इस वाले मैच पे ना, जो एक दो बंदे ऑल पे बोल देते हैं कि भाई स्टेडियम आ जाओ, बहुत गंदा मारेंगे। और ऑल पे भाई बहुत गाली वगैरह इन्होंने दिया था, और मैं भी अच्छे से इनको गाली देके बोला हाँ भाई स्टेडियम आ जाओ भाई, पेलेंगे तुम्हें भी। और आते हैं भाई, शायद से तीन बंदे आते हैं। अब देखना भाई उतरते ही क्या लग। देखो यार कोई ऑटो गन नहीं मिला, जो कि मिलता है मिनी 14, जो दो बंदे को मारने के लिए बहुत मुश्किल होता है क्लोज पे। और यहाँ पर मुझे ये बंदा देखता है लूटता हुआ, लेकिन लगता नहीं यार मुझसे। यार DMR जैसी गन लॉन्ग पे ज़्यादा चलती नहीं, क्योंकि इतना उसको भाई लगता नहीं भाई, अपना औकात से थोड़ा बाहर होता है। अब देखना यहाँ से दो बंदे का फुटस्टेप आ रहा है। अब भाई अचानक से जब देखा भाई दो बंदे रश कर रहे, भाई मेरी फटके चार हो गई। अब यहाँ पर मैं TP भी लेने लग जाता हूँ, और देखना भाई एक बंदे को कैसे पेल देते हैं यहाँ पर। और सेकंड वाले बंदे के पास होता है S6 8C, और भाई इन दोनों को भाई क्या ही मारा। अगर आप मिनी मैप देखते हो तो देखो एक बंदे का फुटस्टेप आ रहा है, और यहाँ पर इस बंदे को मारने के लिए हेडशॉट्स ने मुझे बचा लिया। अगर आप थोड़ा 10 सेकंड पीछे करके देखना, इस बंदे को मैंने हेडशॉट मारा। और देखो अगर कोई बंदा शॉटगन लेके आ रहा है, ज़्यादातर का S12 के लेके आ रहा है, तो ट्राई करो उसका हेड पे एम करने का, और थोड़ा जिगल करो इधर उधर करो। करने से क्या होता है, उस बंदे का जो एम होता है वो चिपकता नहीं। मतलब S12 के वाले बंदे को देखना, वो ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे, एक जगह खड़े होकर ठीक से आपको मार देंगे एम बैठा के। तो इस बंदे के साथ भी यही हुआ, हेडशॉट लगा भाई बंदे को दो तीन, तो मरना ही था इसे। वो अलग बात है कि भाई ये मुझे भी पेल देता, अभी बच गया है। तो मैं यहाँ पर शॉटगन उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा था कि आगे भी मैं S12 के वाले से मरने वाला हूँ। वहाँ पर एक बॉट था जिसे कि मैंने निपटा दिया, मैंने आपको उसी नहीं दिखाया। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस वाले ड्रॉप पे, और ड्रॉप पे मिल जाता है AWM, जो कि मैं नहीं उठा था क्योंकि स्कोप नहीं था, और ज़्यादातर भाई मैं स्नाइपर इतना भी नहीं चला था। और भाई ये ड्रॉप बहुत टाइम से आया था, और सेकंड जो ड्रॉप था वो पानी में था, जो कि मैं नहीं लूटने गया, क्योंकि पानी में जब ड्रॉप हो ना, अगर आप सोलो वर्सेस डुओ या सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो मत जाओ यार, चार बंदे पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत रिस्की होता है, और सोलो पे सबसे ज़्यादा। आपको शायद से S12 के चलने की साउंड आ गया है, तो मैं वहीं पर ही बग्गी उठा के जाता हूँ। अब देखना यहाँ पर कैसे मुझे निपटा देता है यार। देखो यहाँ पर दो टीम का फाइट हो रहा है। अब मैंने सोचा भाई अब तो कंटेंट मिलेगा अपने को, घुस के मारेंगे शॉटगन है तो, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर मरवा देता है। इसलिए भाई अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, ठीक है, कभी अगर दो टीम के अंदर फाइट हो ना, थोड़ा वेट करो, नेट वगैरह करके घुसो, नहीं तो ऐसे ही दो टीम के अंदर अगर जाओगे ना, जो सोलो बंदा आता है जो थर्ड पार्टी करने आते हैं उसको पेल लेंगे भाई चार बंदे मिलके, उसके बाद वो लोग आपस में फाइट कर लेंगे। ये ऐसे ही भाई मरता हूँ बहुत बार। अब देखो ये सेकेंड वाला गेम प्ले है, जहाँ पर मैं उतर जाता हूँ वायर हाउस, और मेरे सामने एक बंदा था जिसको कि जिसके हाथ पे स्कारेट लग चुका है, और तो मेरे यहाँ पर फट के चार हो चुकी है। मैंने सोचा भाई अब तो गेम ख़त्म है, और ये जो सेकंड वाला जो बंदा अभी उतरा था, ये बंदा मुझे अभी बचा लेता है। और देखो भाई बंदा ऊपर उठ गया, अब मैंने लगा भाई मैं तो मर गया, लेकिन देखना अब बस इन दोनों के आपस में मोटिवेट हो जाती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। अब देखो ये बंदा सीधा भाग के आ रहा था, और एक क्रोबार इसके हेड पे लगा, और ये बंदा भी फिनिश हो गया। और देख रहा हूँ भाई आजकल मिले वेपन का डैमेज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है एयर गन से। अब देखो मैं अच्छे बच्चों की तरफ यहाँ से गाड़ी लेके जाने वाला था, लेकिन ये बंदा मेरे से छेड़ ले लेता है, और जिसको कि मैं स्प्रे मारता हूँ, जो कि बहुत घटिया स्प्रे जाता है, और ये बंदा जाके वो ड्रम के पीछे छुप जाता है। और भाई मैं अबे भाई जुबान इतना लड़ क्यों खड़ा रहा है यार, मैं क्लोज एम असिस्ट पे खेल रहा हूँ फिलहाल, इसलिए ज़्यादा स्प्रे पे जज मत करना। मतलब यार वो कितना तारीफ़ करूँगा, दो तीन वीडियो में भाई अपना ही तारीफ़ बस कर ही रहा हूँ।
अब देखो यहाँ इस बंदे को, देखो ये बंदा हेड दिखा रहा था अपना, जिसको कि दो स्कारेल का शॉट लगता है और बंदा निपटा जाए। अगर आप अच्छे से गेम को, थोड़ा मेरा गेम प्ले देख रहे हो तो आपने शायद से इस बंदे को मारने के एक दो सेकंड पहले एक बग्गी गया था, उस बग्गी वाले बंदे का मेरा डर था थोड़ा कि वो आके मेरे ऊपर थर्ड पार्टी ना कर दे, लेकिन लौंडा अच्छा होता यहाँ पर नहीं रुका, रुक भी जाता तो अच्छा ही होता है भाई। मेरा हेल्थ तो फुल था, बोल सकते हो 70% तो 1v1 फाइट ले सकता था। और इस बंदे को मैं अच्छे से लूटता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर जो एक बॉर्ड होता है जिसको कि मैं यहाँ पर निपटा देता हूँ। गाड़ी लेके मैं इधर से जा ही रहा था तो इस बंदे से मेरे साथ मोटिवेट हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और इसको गन चला के बोलता हूँ कि भाई रुक जा यार, फाइट लेना है। लेकिन इस बंदे को तो फाइट लेना है, सोलो पे ही होता यार, बंदे लोग फाइट नहीं लेने चाहते। हो सकता है भाई उनके पास शॉट गन हो तो तभी भाई फाइट लेंगे, भाई शॉट गन हो तो भाई फाइट लेंगे, कोई एयर गन हो तो ज़्यादातर बंदे रुक नहीं जाते, भाग ही जाते हैं। उसके बाद देखो मैं आ जाता हूँ इस वाले ड्रॉप पे, फ्लैट ड्रॉप पे, जहाँ पर यहाँ पर देखो दो दो गाड़ी फूट के पड़ा है, जो फिर भी मैं नहीं डरता। मैंने सोचा भाई लूट ही लेते हैं, लालची बंदा तो हूँ, आपको तो बताए मैं इतना हरामी बंदा हूँ कि भाई कभी कभी आप मेरा कभी टीममेट फाइट करता है तो उसी दौरान भाई मैं फ्लैट ड्रॉप लूटने में बिजी होता हूँ, इतना हरामी गिरी करता हूँ, तो आप लोग ऐसा ना करें। और ये बॉट ना सच में रियल बंदे का फीलिंग दे देता है भाई। कती डीपी ऑटो पे चला रहा था और मैंने सोचा भाई रुक के मारते हैं, तब सोचा भाई सोलो है, कुछ भी हो सकता है, बंदे के पास AWM हो सकता है, तो छोड़ देते हैं बॉट को। मैं उसके बाद मैं बॉट को छोड़ने के बाद गाड़ी लेके जा ही रहा था तो ये बंदा स्पॉट होता है, और ये बंदा शायद से फ्लेयर लूटा था मुझे लग रहा है, इसके पास AWM था और बंदे का कॉम्बिनेशन देखा ना भाई, AWM प्लस शॉट गन। अब देखो मैं उस बंदे को लूटना चाह रहा था जिसको अभी मैं गाड़ी से कुचला, लेकिन मुझे ये डर था क्योंकि देखो इस घर में जब गाड़ी लगा होता है ना ऐसे टाइप के घर पे भाई लूटने मत जाओ, सोलो है, हो सकता है आपको बैठा है एम करके। अब देखो इस वाले यहाँ से मुझे मिल जाता है M249, जो कि मैं नहीं उठाता क्योंकि वो अलग बात है भाई, 200 बुलेट पर एक बंदा मरता है। और यहाँ पर ये बॉट फिर से आ जाता है, अब तो मैं इसे पेल देता हूँ। अब देखो मैं ये घर में चेक कर रहा था कि भाई कोई बंदा है या नहीं, लेकिन भाई यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता। आपने शायद से सुनी लिया है कि S12 के चल रहा था, मैंने सोचा भाई क्या सीन है, एक बग्गी यहाँ पर लगा है, दो दो बग्गी, तीन तीन बग्गी लगा हुआ है, मैंने सोचा क्या भाई तीन बंदा है क्या। अब मैंने सोचा भाई अपना देखते हैं भाई क्या सीन है, इतने बंदे हैं यहाँ पर। जब मैंने बहुत टाइम देखने के बाद देखा कि भाई यहाँ पर एक ही बंदा है, तो मैंने अपना वो नेट का ट्रिक ट्राई किया, यहाँ पर एक नेट फेंका ताकि ये बंदा आगे चले जाए, और यहाँ से एक नेट में कुक करके जा रहा था, जिससे गेम के सस्ते नशे जो कि मुझे मरवाता है कभी कभी, नेट ऑटोमेटिक छूट जाता है। फिर से एक नेट का पिन खींचा और ये नेट काम पूरा नहीं करता, थोड़ा डैमेज कर देता है, जो कि इस बंदे को फिनिश करने में। अब देखो ये बंदा तो कतई ऑफलाइन मोड पे था, खड़ा हो गया, देखो आपको शायद से ग्रोजा चलने का साउंड हो गया, मतलब बंदा कती कैम कर रहे है भाई, किधर कैम कर रहा है, देखो घर के छत पे। अब देखो ये बंदा जहाँ से कैम कर रहा है तो मैं इसके ऊपर रश करने जा रहा था, आप ऐसे मत करो, कोई बंदा अगर कैम करे तो रश नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर स्मोक कर दिया क्योंकि सामने से भी शॉट आ रहा था और इस बंदे को पेलने का भाई बहुत मन था, क्योंकि भाई ऐसे कैंपर से सख्त नफरत है यार मुझे। और मैं जाता हूँ, मैंने सोचा भाई ऑफलाइन है तो भाई सो के मज़े लेते हैं इसके साथ, लेकिन भाई अभी मेरा ये जो मजाक था ना, मतलब कतई ये गेम को फिनिश कर देता। मुझे लगा भाई बंदा कति ऑफलाइन है तो इसके साथ थोड़ा मज़े लेते हैं, लेकिन जब ही भाई मैंने स्कारल लिया और प्रोन हो गया तभी भाई बंदा शॉटगन लेके भाई मार रहा था मुझे, भाई क्या ही बचा यहाँ पर। छोड़ो ऐसे कैंपर को, मतलब ये डस लेता यार, ये बहुत ही गंदा वाला कैम्प कर रहा था यहाँ पर।
उसके बाद बग्गी उठा के आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक बंदा होता है जिसके पास होता है शॉर्ट गन। और स्पार्टो भाई को भी हमने पेल दिया। और आगे देखना एक और बंदा होता है जो कि जोन में आने का ट्राई करता है। और भाई और सच बताऊँ तो मेरा फ़ोन में यहाँ पर दो तीन नोटिफिकेशन आ गया था, और मेरा फ़ोन में चार्ज भी ज़्यादा नहीं था। तो यही हो भाई, क्या सीन हुआ है, जब मेरा फ़ोन में चार्ज कम रहता है या नोटिफिकेशन कुछ टाइम ही आता है भाई, बहुत गंदा वाला लैग कर रहा था। और सामने जो अभी मैंने स्प्रे मारा, वो जज मत करना भाई, क्योंकि मैंने बोल ही दिया क्या रीज़न है, लग क्यों नहीं रहा। अब देखो ये वाला, ये बंदा मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज देता है। अब देखना भाई, यहाँ पर मैं एक मोली करता हूँ जो कि इस बंदे को जलाता है बहुत, और उसके बाद स्कारिल से फिनिश कर देते हैं इसे भाई। मतलब बहुत ही आज गलत गलत बोल रहा हूँ यार, अटक रहा है बहुत आज, छोड़ो। और भाई वीडियो जिसको भी पसंद आ रहा है भाई, एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और एक भाई एक सब्सक्राइब भी तो करना है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। वो जो रेड कलर का बटन है ना, उसे भाई प्रेस कर दो, और अपने भाई का थोड़ा सपोर्ट करते हो। और मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय।